गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट द सेकेंड यूनिट सेल्फ मैनेजमेंट स्किल ऑफ फर्स्ट सेशन स्ट्रेस मैनेजमेंट. सो इन दिस सेशन लर्निंग ऑब्जेक्ट फर्स्ट व्हाट इज स्ट्रेस, सेकेंड टिप्स फॉर स्टूडेंट फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस. बेटा इस सेशन में हम इस चैप्टर में स्ट्रेस को मैनेजमेंट करना सीखेंगे. फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन. वी ऑल अंडर गो इन आवर लाइफ थ्रू अप्स एंड डाउन्स. नॉट ऑल डेज आर सेम एंड वी ऑल हैव टू फेस चैलेंजेस, मेड डिमांड्स फुलफिल एंड मैनेज एक्सपेक्टेशंस ऑफ ऑन एंड अदर्स. यू नो स्टूडेंट कि हम सभी के लाइफ में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, कभी परेशानी तो कभी खुशी. हर दिन एक जैसा नहीं होता. हम सभी को चैलेंजेस फेस करने होते हैं. हम सभी अलग अलग तरीके से चैलेंजिंग सिचुएशन को ठीक करते हैं, उसे मैनेज करते हैं. बट समटाइम्स चैलेंजेस कभी कभी बड़ी होती है जो हमारे माइंड और बॉडी को कंट्रोल में नहीं रहती, तो इसे ही हम स्ट्रेस बोलते हैं. ओके, जब हम कुछ ज़्यादा सोचने लगते हैं या किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं या कैसे हुआ क्यों हुआ ये सब सोचते हैं, तो ये इन सब की वजह से हमें स्ट्रेस होता है. ओके, नाउ हम व्हाट इज़ स्ट्रेस पढ़ेंगे. व्हेन वी इन आवर लाइफ्स व्हेन वी इनकाउंटर अ सिचुएशन दैट चैलेंजेस अस, आवर बॉडी एंड माइंड रिएक्ट इन अ सर्टेन वे एज अ रिस्पॉन्स. This response sometimes help us get past those event and come out as victors, but sometimes this response affects us adversely. This is called stress. अगर हम इसे easy way में कहें तो जब हम किसी भी tension को लेकर के emotionally परेशान हो जाते हैं, mentally परेशान हो जाते हैं, physically परेशान हो जाते हैं, तो आप समझिए कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये जो सिंबल्स हैं, ये जो रीजंस हैं, वो स्ट्रेस है जो आपके मन में स्ट्रेस पैदा कर रही है. किसी भी तरह का सोच हो सकता है, किसी भी तरह की का सिंबल हो सकते हैं स्ट्रेस को जानने के. जैसे आपका एग्ज़ाम करीब आ चुका है, दो या तीन दिन बचे हुए हैं, तो आपको लग रहा है कि आप प्रिपेयर नहीं कर पाए हो और इसको बार बार आप सोचोगे, तो ये भी क्या है, स्ट्रेस है. स्टूडेंट्स, मोस्ट पीपल सोचते हैं कि स्ट्रेस सिर्फ निगेटिव होता है, बट स्ट्रेस गुड स्ट्रेस भी होता है और बैड स्ट्रेस भी होता है. तो नाउ हम गुड स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे. गुड स्ट्रेस रिफर्स टू द लिमिटेड क्वान्टिटी ऑफ स्ट्रेस दैट हेल्प वन कीप फोकस्ड एंड मोटिवेटेड टू डू समथिंग. गुड स्ट्रेस लिमिटेड क्वांटिटी में होती है जो फोकस करती है और मोटिवेट करवाती है हमें कुछ करने में. जैसे आप किसी भी मीटिंग में गए और मीटिंग में लेक्चर देना है, आप वेल प्रिपेयर भी हो और रेडी भी हो, फिर भी स्ट्रेस फील करते हो कि कैसे बोलूँगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा, मेरी लेक्चर सही से होगा कि नहीं होगा, ये सब हम सोचते हैं. ठीक है, तो इसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है. हम प्रिपेयर होने के बाद भी जब कुछ सोचते हैं तो स्ट्रेस होता है, बट हमें मालूम है कि हम प्रिपेयर हैं. ठीक है, तो इसे गुड स्ट्रेस बोलते हैं. नाउ हम पढ़ेंगे बैड स्ट्रेस. बैड स्ट्रेस रिफर टू अ स्ट्रेस दैट इज़ ऑन गोइंग एंड डज नॉट लोअर डाउन वेन वन कैन नॉट स्टॉप वरिंग एंड इज़ अनेबल टू डू रिक्वायर्ड थिंग वन नॉर्मली डज अदरवाइज इट इज़ बैड स्ट्रेस. स्टूडेंट्स, बैड स्ट्रेस लोअर डाउन नहीं होता है, वो बढ़ता रहता है. मीन्स जब हम टेंशन लेना कम नहीं करते, सोचते रहते हैं उसके बारे में, तो ये बैड स्ट्रेस है. बैड स्ट्रेस निगेटिव फॉर्म में होता है जो हमें प्रोग्रेस होने में रोकता है, क्योंकि जब हम टेंशन में होते हैं और कोई और काम करते हैं तो उसमें मन नहीं लगता है. नाउ हम सिम्टम्स ऑफ बैड स्ट्रेस जानेंगे. जैसे लैक ऑफ स्लीप, हार्ट प्रॉब्लम, वेट गेन और लॉस, वीक इम्यून सिस्टम एंड मेनी अदर्स, मेमोरी लॉस, डिप्रेशन,
नाउ हम जानेंगे नीड फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्टूडेंट जब बैड स्ट्रेस होने लगता है तो उन्हें रोकना मुश्किल होता है, क्योंकि हम उस स्ट्रेस को सोचते रहते हैं, हर वक्त हमारे माइंड में होता है। एंड अगर अनमैनेज स्ट्रेस होता है तो हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफ़ेक्ट डालता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए मेंटेनिंग हेल्थ, इम्प्रूविंग मूड, बूस्टिंग इम्यून सिस्टम, इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड मेनी अदर बेनिफिट्स। नाउ हम पढ़ेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। आजकल बहुत से टेक्निक हैं जिससे हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, जैसे फिज़िकल एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारे बॉडी और माइंड को फ्रेश रखती है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स। स्पोर्ट फिजिकली एक्टिविटी है जिससे हमारे माइंड और बॉडी टेंशन फ्री होता है, लाइक दिस योगा, टेकिंग ब्रेक, नेचर वॉक, हॉलीडे एंड वेकेशंस। ये सब हमारे लिए स्ट्रेस से दूर होने के टेक्निक है। नाउ हम जानेंगे टिप्स फॉर स्टूडेंट्स फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस। स्टूडेंट्स स्ट्रेस फेस करते हैं क्योंकि इसके कई रीजंस हैं, जैसे सोशल फैक्टर्स, एकेडमिक फैक्टर्स एंड अदर फैक्टर्स। कुछ टिप्स हैं जिससे कि स्टूडेंट्स स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, जैसे प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट एंड फिजिकल एक्सरसाइज एंड नेक्स्ट पॉजिटिव थिंकिंग एंड नेक्स्ट गो स्टेप बाय स्टेप एंड एक्ट स्मार्टली, स्पेंड अ रिलैक्सिंग टाइम, टेक अ गुड डाइट एंड सम गुड्स हैं जो स्ट्रेस में लेने चाहिए, जैसे वार्म ड्रिंक्स, डार्क चॉकलेट्स, होल ग्रेन्स, फैटी फिश, वाटर, मिल्क, नट्स, विटामिन सी एंड रिच फूड्स, बनानास। इससे हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, स्ट्रेस से दूर रह सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स डू सम एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर सम स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट फूड्स शुड यू कंज्यूम व्हेन फीलिंग स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर सम स्ट्रेस मैनेजमेंट टिप्स फॉर स्टूडेंट।